हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बना रहे हैं बैंगन के पकोड़े। ये बहुत ही अलग तरीके से आज मैं बैंगन के पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और आपने शायद ही कभी पहले इस तरह से बैंगन के पकोड़े बनाकर खाए होंगे। मार्केट में आपको इस तरह से बैंगन के पकोड़े शायद ही अवेलेबल हों, और घरों में भी बहुत कम बनाए जाते हैं। बैंगन के पकोड़े बनाने का ये बिल्कुल अलग तरीका है। आप एक बार इस तरह से अगर बैंगन के पकोड़े बनाते हैं तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे। प्रॉपर तरीके से आप इसे बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आप इस तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। और फ्रेंड्स, इस बैंगन के पकोड़े को मैंने अलग तरह की चटनी के साथ सर्व किया है। तो जो कच्चे आम और प्याज की चटनी मैंने बनाई थी, वो पिछले वीडियो में मैंने दिखाई है, तो उस चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी हो गए हैं। तो जब भी आप ये बैंगन के पकोड़े बनाएं, अगर प्याज, कैरी और पुदीना की चटनी आप बना लेते हैं तो इस पकोड़े का जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के बैंगन ले लिए हैं। अगर आपको अच्छे से पकोड़े बनाने हैं, दिखने में भी अट्रैक्टिव होने चाहिए और टेस्टी भी होने चाहिए, तो आपको इस तरह से बैंगन लेने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बैंगन है सीडलेस है, इसमें बहुत ही कम बीज हैं या फिर बिल्कुल बीज नहीं है। तो जो बैंगन मैं काट रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं बीज बिल्कुल भी नहीं है या बहुत थोड़े थोड़े हैं, छोटे छोटे बीज हैं। तो इसी तरह से आप बैंगन सेलेक्ट करिएगा और इसे धो करके इस तरह से गोल गोल स्लाइसेस में काट लीजिए। तो स्लाइसेस बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट कर रख लीजिए। अब इसके बाद हम इस पर चीरा लगाएंगे। तो चीरा लगाने से जो हम नमक और मसाले इसके ऊपर डालेंगे, वो अंदर तक चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नाइफ़ की मदद से आप थोड़ा थोड़ा करके इस पर चीरा लगा दीजिए। तो सभी स्लाइसेस पर हम इस तरह से कट के निशान हल्के हल्के लगा देंगे। बहुत ज़्यादा गहरे निशान ना लगाएं, नहीं तो ये टुकड़ों में कट जाएगा। हल्के हल्के से निशान एक साइड पे लगाने हैं, दोनों साइड पे नहीं लगाने हैं, सिर्फ एक साइड पर हम इस तरह से चीरे के निशान लगा देंगे। और अब हम सभी पर नमक लगा देंगे, लाल मिर्च पाउडर लगा देंगे, गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने सभी स्लाइसेस पे नमक लगा दिया। अब यहाँ पर मैं लाल मिर्च लगा रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें गरम मसाला लगा दूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला या अमचूर पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके ऊपर लगा दीजिए। और इसको अच्छे से हाथों की सहायता से मसल कर दोनों तरफ से स्प्रेड कर दीजिए। फिंगर्स की मदद से आप इसे थोड़ा थोड़ा सा सारे मसाले को स्प्रेड कर देंगे तो ये अंदर तक चला जाएगा। ये सब इसमें आप इस तरह से लगा कर फिंगर से थोड़ा स्प्रेड कर देंगे, तो जो हमने कट लगाए थे, तो कट की मदद से जो भी मसाला है पूरे बैंगन में अंदर तक चला जाएगा और ये बढ़िया से मैरिनेट हो जाएगा। तो इसे हम एक साइड पर रख देंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड्स, अब हमें पकोड़े के लिए बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी भर के बेसन ले लिया, और ये मैंने मोटा बेसन लिया है। मोटा बेसन लेने से जो पकोड़े हैं अच्छे बनते हैं। और अब यहाँ पर मैंने कुछ मसाले डाल दिए हैं, जिसमें नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दो चुटकी हींग, दो चुटकी बेकिंग पाउडर और दो चुटकी अजवाइन। तो इस तरह से सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी डाल दिया है और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, पकोड़े का बैटर तैयार करने के लिए ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें बैंगन को डिप करना है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो बैंगन की जो स्लाइसेस हैं उस पर ये परत चढ़ नहीं पाएगी।
तो फ्रेंड्स ये बैटर बनकर रेडी है। अब बेसन के इस बैटर में हमें बैंगन को डिप करते जाना है और कढ़ाई में इसे फ्राई करते जाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। ऑयल जब अच्छा सा गर्म हो गया तो हर एक स्लाइस को मैं इस तरह से बेसन के घोल में डिप कर रही हूँ और कढ़ाई में डाल दूँगी। यहाँ पर ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है तो मैंने इसे मीडियम कर दिया और अब इस तरह से पकोड़े फ्राई कर लूँगी। तो सभी स्लाइसेस को आप इस तरह से डिप करते जाइए और कढ़ाई में डालते जाइए और ध्यान रखें फ्लेम को मीडियम रखें और इस तरह से एक बैंगन के जो स्लाइसेस थे वो मैंने पूरे कढ़ाई में डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि जो फ्लेम है वो मीडियम हो, ना तो हाई हो और ना ही लो हो। मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से सिक जाएंगे। अलट पलट करके आप इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए और जब इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब आप इसे निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए इस तरह से जो बैंगन के पकौड़े बनते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं और आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो बैंगन आप सेलेक्ट करें वो पक्का ना हो, यानी कि उसमें बहुत मोटे मोटे बीज ना हो। अगर बहुत मोटे मोटे बीज होंगे तो जो बैंगन का पकोड़ा है वो इतना स्वादिष्ट नहीं बन पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पकोड़े हैं गोल्डन कलर के हो गए हैं और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इन्हें निकालने के बाद दूसरे बैच में जो दूसरे बैंगन के स्लाइसेस मैंने किए थे वो इसमें फ्राई कर लूँगी। इस तरह से जो बैंगन के पकोड़े बनकर तैयार होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और जब आप इन्हें तोड़कर देखेंगे तो अंदर से जो बैंगन है बहुत ही रसीला और अच्छा हो जाता है। इसका जो स्वाद है और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे हमने मैरिनेट किया था और कुछ मसाले लगाए थे, तो मसालों के साथ मिलकर जो बैंगन है और भी टेस्टी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए इस तरह से बने हुए बैंगन के पकौड़े आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और अभी बैंगन का सीज़न है तो अच्छे बैंगन मिल रहे हैं। बड़े बड़े बैंगन में बीज कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं, तो आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करिए। अगर आप छोटे बैंगन से बनाएंगे तो उसका इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ट्राई करिए रेसिपी और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।